Hello, good morning student. Today we are going to start our new chapter of subject EVS, class 3rd, lesson 5th, green leaves. So green leaves, if any plants and trees have their green leaves, and we all know about the green leaves. They are very necessary part of any plant and any tree, because they making food and give us to foods and other fruits and flowers. So let's start the lesson. Come along to plant trees, spread greenery everywhere. Trees are the green gold, help in cleaning the air. Each should plant one tree to eat the sweet fruit. So yes, कुछ लाइन्स हैं किसके बारे में, ग्रीन लीव्स के बारे में. तो ग्रीन लीव्स क्या करती है, प्लांट और ट्रीज पे ग्रीन लीव्स होती है तो ये क्या करती है, ग्रीनरी फैलाती है, चारों तरफ हमें हरियाली नज़र आती है. ट्रीज आर द ग्रीन गोल्ड. तो जिस तरह से गोल्ड एक्सपेंसिव होता है, वैसे भी ट्रीज भी हरा गोल्ड है. ट्रीज को क्या कहेंगे, हरा गोल्ड, क्योंकि ये भी बहुत एक्सपेंसिव है, हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. हेल्प इन क्लीनिंग द एयर, ये किसके लिए हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीज होते हैं तो ये पॉल्यूशन को क्लीन करते हैं. ईच शुड प्लांट वन ट्री एंड टू ईट द स्वीट फ्रूट्स. हमें सबको एक पेड़ उगाना चाहिए और हमें पेड़ों से स्वीट फ्रूट, जो अच्छे अच्छे फ्रूट हैं वो प्राप्त होते हैं. तो आपको भी अपने गार्डन में और अपने खेत के आसपास पेड़ लगाने हैं. ओके, इफ देयर इज एनी पोएम ऑफ फोक सॉन्ग ऑन ट्रीज इन योर माइंड, प्लीज सिंग इन क्लास. व्हेन अवर क्लासेस विल बी स्टार्टेड, देन यू सिंग अ सॉन्ग रिलेटेड टू द ग्रीनरी, ट्रीज, प्लांट्स एक्सेट्रा. ओके, देयर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज नियर बाई, प्लीज टेल दियर नेम्स. अब आपके आसपास भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो आपको कौन कौन से पेड़ पौधों के नाम है याद है, पता होने चाहिए. अगर नाम पता नहीं है तो अपने मम्मी पापा के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपको उस पेड़ का नाम पता करना है. माही वेंट टू फार्म विथ हर अंकल. माही इज अ गर्ल नेम एंड शी वेंट टू फार्म विथ हर अंकल. देयर शी सॉ द ब्लूमिंग मस्टर्ड क्रॉप. उसने कितनी अच्छी ये फसल देखी है वहाँ पर. लैंड कवर्ड विथ येलो फ्लावर्स वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल. और सारी ये जो सरसों की फूल की पत्तियाँ है वो सब फूल आ गए हैं, और येलो फूल से बहुत ही जो पूरा खेत है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है. दे वर वॉकिंग अलोंग द साइड्स ऑफ फॉर्म. वो फॉर्म के चारों तरफ घूमती है. दे सॉ मैनी ग्रोइंग प्लांट्स. और उसने देखा कि इन सब के साथ साथ और भी बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, यानी उग रहे हैं. फिर माही अपने अंकल से क्वेश्चन करती है, अंकल हु प्लांटेड दीज प्लांट्स. तो उसने पूछा कि ये सब प्लांट जो उग रहे हैं, इनको प्लांट किसने किया है, इनको बोया किसने है, इनको उगाया किसने है. तो अंकल बोलते हैं, सम वर प्लांटेड बाय योर ग्रैंडफादर एंड सम गॉट जर्मिनेट बाय देमसेल्फ. कुछ तो आपके ग्रैंडफादर ने उनको लगाए हैं, और कुछ अपने आप उनमें प्रोसेस, अपने आप ये खुद बड़े हुए. अपने आप कैसे हुए, यानी कहीं से बीज उड़ते हुए आ गया और वहीं पे रुक गया, फिर वो वहाँ पे प्लांट बन गया. इसी तरह कोई बर्ड है, उसकी चोंच में अगर कोई बीज होगा कोई भी, तो उसने गिरा दिया होगा तो वो भी वहाँ से उग जाता है. इस तरह से अपने आप उग जाते हैं, किसके थ्रू, हवा के थ्रू, कहीं पे भी आके उग जाते हैं प्लांट, और या फिर किसी बर्ड की बीक से गिर जाते हैं, हमारे पैरों से चिपक कर भी कोई बीज एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है तो वो फिर वहाँ पर उग जाता है. ओके, सो नेक्स्ट दे, देन दे रीच टू द वॉल ऑफ द फार्म, वेल ऑफ द फार्म. अब वो
खेत के चारों तरफ, फसल के चारों तरफ तो वो घूम लिए, फिर वो कहाँ गए? कुएं के पास गए। खेतों में तो कुआं बने ही होते हैं, ट्यूबवेल भी बनी होती है। देयर वॉज ए हग बनियन ट्री, यहाँ पर बहुत सारे बनियन ट्री थे, बहुत बड़ा, ठीक है ना। ये देखो कितना बड़ा होता है ये बनियन ट्री, इसको हिंदी में कहते हैं बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें भी बाहर निकली हुई होती है, जिस पे देखो ये लड़कियाँ झूल रही है। सो अंकल टोल्ड दैट इट वॉज प्लांटेड बाई हिज ग्रैंडफादर। अंकल ने क्या बोला, ये उनके ग्रैंडफादर ने इस पेड़ को प्लांट लगाया था और वो अब कितना बड़ा हो गया है। ग्रेजुअली दिस प्लांट बिकम ए हग ट्री, ये फिर बहुत बड़ा हो जाता है। रूट्स स्प्राउटेड फ्रॉम इट्स ब्रांचेज, रूट्स बाहर निकल जाती है ब्रांचेज की जैसे। दीज रूट्स ग्रो टुवर्ड द लैंड, और यही रूट्स जमीन पर ग्रो भी करने लग जाती है। दे गिव सपोर्टेड टू दिस हग ट्री, अब ये रूट्स इसलिए बाहर निकलती है क्योंकि इसको सपोर्ट भी तो चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसको सपोर्ट के लिए ये रूट्स नीचे जमीन में चिपक जाती है ताकि इससे इसको पूरा सपोर्ट मिल सके। अंकल टोल्ड दैट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही यूज्ड टू स्विंग होल्डिंग दिस रूट्स, अंकल ने क्या बोला, जब वो छोटे थे तो वो इन रूट्स को पकड़ के झूलते थे, स्विंग करते थे। माही भी स्विंग कर रही है देखो रूट्स को पकड़ के। सो दोज विच हैव लॉन्ग एंड स्ट्राउट स्टेम एंड हैव अ लॉन्गर लाइफ आर नाउन एज ट्री, वाइल दोज विच हैव फ्लेक्सिबल एंड स्मॉल स्टेम आर कॉल्ड प्लांट्स। अब वॉट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रीज एंड प्लांट्स, सो ट्रीज जो बहुत बड़े होते हैं उनकी जो तना होता है वो भी बहुत मजबूत होता है, बड़ा तना होता है, बड़ा पेड़ होता है और बहुत दिन तक ये जीवित रहते हैं। लेकिन प्लांट क्या होंगे, छोटे से होंगे, फ्लेक्सिबल, उनकी स्टेम भी बहुत पतली पतली होती है और वो थोड़े दिनों में अपने आप सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इस तरह से वो प्लांट होते हैं। देन माही टोल्ड, माही आस्क टू हर अंकल, अंकल विच ट्रीज डिड यू प्लांट हियर, आपने कौन सा ट्री यहाँ पर प्लांट किया है? तो फिर अंकल बोलते, आई प्लांटेड द पीपल, द नीम एंड द मैंगोज ट्री। अंकल ने किस किस को प्लांट किया, पीपल का पेड़, नीम का पेड़ और मैंगो का पेड़। तो अगर आपको नहीं पता है ये पेड़ कैसे होते हैं तो आपके आसपास सराउंडिंग एरियाज में देखना है और आपको उनको पहचानना है कि नीम का पेड़ कौन सा है, पीपल का पेड़ कौन सा है, मैंगो का कौन सा होता है, और आपको उनकी लीव्स का भी ध्यान रखना है कि कौन से पेड़ की लीव्स कैसी होती है, उनका कलर, कलर तो ग्रीन ही होगा लेकिन उनकी डिज़ाइन में वो कितने डिफरेंट है। माही, आई वॉन्ट टू स्विंग ऑन द बनियान ट्री, माही ने क्या बोला, मुझे भी इस तरह से स्विंग करना है। अंकल बोले, यस यू कैन गो एंड स्विंग, तो तुम जा सकती हो और स्विंग कर सकती हो। What are the names of trees near about your house? अब आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं उनको आपको पहचानना है और उसका नाम यहाँ लिखना है, जैसे नीम का पेड़, पीपल का पेड़, मैंगो का पेड़, बनियन ट्री भी हो सकता है। तो आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं उनके आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में नाम फिल करने हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्डेस्ट ट्री एट योर प्लेस। अब आपको देखना है कि कौन सा सबसे पुराना ट्री है आपके घर के आसपास, तो जैसे नीम का पेड़ भी हो सकता है, बनियान का ट्री भी हो सकता है, तो आपको पहचानना है कि कौन सा सबसे पुराना ट्री है, उसका नाम यहाँ लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में। हु प्लांटेड दिस ओल्डेस्ट ट्री, और उस ट्रीज को जो सबसे ओल्डेस्ट है आपके नियर बाई किसी गार्डन में, तो आपको उसको पता करना है कि किसने उसको प्लांट किया था, ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडफादर के फादर, इस तरह से आपको पता करके लिखना है। माही, दीज आर फ्लावरिंग ट्रीज, हु प्लांटेड दिस, ये जो फ्लावर के ट्रीज हैं उसने कहा कि बहुत सारे फ्लावर ट्री भी है तो इनको प्लांट किसने किया है। तो अंकल बोलते हैं, दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, आई प्लांटेड दीज ट्रीज आर टॉल वाइल प्लांट्स आर शॉर्ट। जब ट्रीज, ये सब फ्लावर के ट्री है और जो ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं,
टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, और जो प्लांट होते हैं वो शॉर्ट होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फ्लावर प्लांट्स नियर योर हाउस, व्हाट आर द कलर्स ऑफ दीज फ्लावर्स. सो आपको देखना है आपके आसपास या फिर आपके घर में कौन से छोटे छोटे प्लांट लगाए हुए हैं, उनका कलर क्या है. तो जैसे रोज़ और भी बहुत सारे मनी प्लांट भी होता है, तो उनका कलर क्या होता है वो आपको लिखना है. जैसे रोज़ होता है, इट्स कलर पिंक. ओके, विच इज़ द टैलेस्ट ट्री नियर योर हाउस, पीपल. आपके पास और भी हो सकता है, जैसे सागवान वगैरह और भी बहुत सारे पेड़ हो सकते हैं. जो सबसे लंबा हो उसका नाम आपको यहाँ पर फील करना है. विच इज़ द शॉर्टेस्ट ट्री नियर योर हाउस, सो जैसे लेमन ट्री है, छोटा होता है वो लंबाई में. तो इसी तरह आपके आसपास अगर कोई शॉर्ट, इससे भी छोटा और कोई ट्री है तो उसका नाम फील करना है. विच प्लांट डू यू लाइक द मोस्ट, आई लाइक मैंगो ट्री. सो व्हाट यू लाइक प्लांट, जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगता है तो उसका नाम यहाँ लिखना है. माही, ऑल दीज ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स. सारे ट्रीज किस कैसी लीव होती है, ग्रीन होती है. सी द लीव्स ऑफ नीम, दे आर स्मॉल, वेयर एज पीपल ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स. नीम के पेड़ की जो पत्तियाँ होती है वो छोटी होती है, और एज कंपेरिजन पीपल के पेड़ की पत्ती बड़ी होती है. तो इस तरह से किसी पेड़ की पत्तियाँ बड़ी होगी साइज में, किसी की छोटी होती है. अंकल बोलते हैं लीव्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लीव्स के बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं. देयर साइज एंड एज इज वेरी, उनमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं. सम लीव्स आर स्मूथ एज एंड सम हैव स्पाइटेड. कुछ किसी का तो जो लीव्स होगी, पत्ती होगी, वो उसका आप हाथ लगाओगे तो आपको स्मूथ फील होगी, और कोई कोई खुरदरी फील होगी. अंकल डू ऑल डिफरेंट लीव्स हैव द सेम टेस्ट. फिर वो क्या पूछती है माही, कि क्या सारी लीव्स का टेस्ट एक जैसा होता है. आप ही बताओ, क्या नीम के पत्ती का टेस्ट और मैंगो की पत्ती का टेस्ट एक जैसा होगा? नो, क्योंकि सबका डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होता है. नीम तो कड़वा लगता है. एंड मिंट, मिंट जो पुदीना होता है उसके अपन को अच्छा लगता है. तो इस तरह से सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है. तुलसी के पत्ते हैं, उनको तो हम यूज़ करते हैं तो वो तो अच्छे लगते हैं, लेकिन नीम को हम नहीं खा सकते. नो, डिफरेंट लीव्स हैव डिफरेंट टेस्ट, सबका डिफरेंट टेस्ट होता है. फिर माही पूछती है अंकल, बेसिल लीव्स हैव पंगे टेस्ट, वेयर एज नीम लीव्स आर बिटर इन टेस्ट. जो बेसिल लीव है उसका तो टेस्ट हमें अच्छा लगता है, और जो नीम की लीव है उसका टेस्ट तो हमें थोड़ा कड़वा लगता है. अंकल द लीव्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज हैव डिफरेंट टेस्ट एंड ऑडियर. उनकी लीव्स की सुगंध भी अलग होती है और उनका टेस्ट भी अलग होता है. वी शुड नॉट टेस्ट द लीव्स ऑफ ऑल ट्रीज विदाउट आस्किंग एल्डर्स. और इसी तरह हमें इस बड़ों से बिना पूछे किसी भी लीव को टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी लीव का, किसी लीव्स में जैसे पॉइजन भी हो सकता है, जहर भी होती, जहरीली लीव्स भी होती है, जैसे कुछ फ्लावर प्लांट की होती है. तो हमें सारी लीव्स को टेस्ट, मुंह से टेस्ट नहीं करना चाहिए बिना आपके बड़ों को पूछे. माही, अंकल लीव्स ऑफ मिंट एंड कोरिएंडर हैव प्लीजेंट अरोमा. तो जो ये मिंट और कोरिएंडर है, इनका तो हमें कितनी अच्छी स्मेल आती है, बहुत अच्छी लगती है. अंकल वी ईट मैनी लीव्स एंड फ्रूट्स. सो वो बोलते हैं कि हम तो बहुत सारी लीव्स खाते भी हैं, फ्रूट भी खाते हैं. डू दिस ऑल्सो, आपको ये किसकी लीव्स कैसी है उसको फील करना है. जैसे ये है अनार, अनार की पत्ती कैसी होती है, तो इस तरह की होती है. ठीक है, आपको पहचाननी है. फिर आपको देखना बनाना की कैसी होती है, इस तरह से होती है. ये इमली है और इमली की लीव्स ऐसी होती है. मैंगो की लीव्स कैसी होती है, ऐसी होती है. लेमन की इस तरह से लीव होती है. और ये पपैया है, इसकी लीव्स ऐसी होती है. ओके, तो ये आपको इसी में फील करना है. फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख करने हैं. फ्रीक्वेंस ऑफ विच प्लांट्स डू यू लाइक द मोस्ट, कौन से प्लांट की अच्छी लगती है. तो जैसे रोज की, ऐसे
और भी हो सकता है मिंट के प्लांट की, और भी आपको जिस प्लांट की खुशबू अच्छी लगती है उसका नाम यहाँ लिखना है। विच लीव्स आर ईडियबल, कौन सी लीव्स अपन खा सकते हैं जैसे स्पिंच और फेंग्रिक, तो इनकी लीव्स हम खाने में यूज़ करते हैं। सो विच लीव्स टेस्ट डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सी लीव्स का आपको टेस्ट पसंद है, तो जैसे मुझे मिंट की लीव्स का अच्छा लगता है वैसे आपको कौन सी लीव का टेस्ट पसंद है वो आपको लिखना है। विच थिंग्स आर डेकोरेटेड विथ पिक्चर ऑफ लीव्स एंड फ्लावर इन अवर हाउस, तो विच थिंग्स आर डेकोरेटेड, कौन सी हम घर में चीज़ें जो लीव्स और फ्लावर से हम डेकोरेट करते हैं, तो वी पेस्ट फ्लावर ऑन दी वॉल, वॉल पे हम फ्लावर को चिपका के भी हम उसे डेकोरेट करते हैं। एंड हैंगिंग प्लांट्स ऑन दी कॉर्नर ऑफ आवर हाउस, कॉर्नर हाउस में हम प्लांट को बढ़ाते हैं, जैसे घरों में आपने देखा ही होगा, आपके घर में भी होगा कोई ऐसी बेल लगी होती है जो नीचे से ऊपर जा रही होती है, घर के पूरे को डेकोरेट कर रही होती है उसकी लीव्स, तो इस तरह से हम डेकोरेट के लिए बहुत सारी घर के डेकोरेट के लिए लीव्स और इनका यूज़ करते हैं। विच फ्लावर्स एंड लीव्स आर यूज्ड ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन एट योर होम, सो ऑस्पिशियस ओकेजन पे हम किसका यूज़ करते हैं, रोज़ का, सनफ्लावर, बनाना लीव्स, नीम लीव्स, इन सबको हम किसी ना किसी ओकेजन पे यूज़ करते हैं, तो आपको ये भी इसका आंसर लिखना है। देन माही आस्क अंकल वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम ट्रीज, अंकल यस, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स गेट दियर फूड फ्रॉम ट्रीज, ट्रीज आर हैबिटेड ऑफ मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो ये जो ह्यूमन बींग हम आदमी और एनिमल जानवर जितने भी है बर्ड्स हैं वो सब खाना किससे प्राप्त करते हैं, ट्रीज से, किसी ना किसी तरीके से हम ट्रीज पे डिपेंड होते हैं, वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट के लिए, हमारे मैज और गेहूँ जो भी मिलते हैं वो सब इसी से तो मिलते हैं। ट्रीज आर हैबिटेट, और ट्रीज जो है बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल का घर होते हैं, क्योंकि बर्ड्स ट्रीज के ऊपर ही रहते हैं और एनिमल्स भी उनकी छाया में ही बैठे रहते हैं। देन माही आस्क टू हर अंकल इन अवर हाउस डोर्स विंडोज टेबल चेयर एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ वुड, तो अपने घर की जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, टेबल कुर्सी ये सभी भी तो लकड़ी से ही बनती है, और वो लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है, ट्रीज से मिलती है। यस यू आर राइट, गो इन द किचन एंड फाइंड हाउ मेनी थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज, आपको भी अपने घर में जाके देखना है किचन में जाके कि कितनी सारी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी थिंग्स इन योर किचन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज, सो आपको देखना है कि आपके किचन में ट्रीज के यूज से क्या क्या चीज़ें बनी हैं, जैसे फर्नीचर है, डोर्स है, विंडोज है, ये सभी वुडन की बनी हुई होती है। व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ फ्यूल, सो सोर्स ऑफ फ्यूल में भी वुड्स होती है, गाँव में लोग अभी भी चूल्हे का यूज़ करते हैं, तो चूल्हे में क्या काम आती है, लकड़ी जलाने के लिए काम आती है, और नेचुरल गैस भी काम आती है, एलपीजी सिलेंडर, जिसकी गैस से हम खाना बनाते हैं। व्हाट आर द थिंग्स इन योर होम ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज, सो कॉटन, फ्रूट्स, फ्लावर, स्पाइस एंड फाइबर, मैन्योर, ये सभी किससे बनी होती है, लकड़ी से, और ट्रीज से हमें किसी ना किसी तरीके से मिलती है। नेक्स्ट माही आस्क टू हर अंकल, अंकल व्हाई हैव द लीव्स ऑफ सम ट्रीज टर्न येलो एट अवर फार्म, वो पूछती है कि ये जो ट्रीज की लीव्स है वो सभी ग्रीन होती है लेकिन अब ये येलो क्यों हो रही है, तो ये येलो इसलिए होती है, सो इन ऑटम सीजन इनिशियली सम ऑफ द लीव्स टर्न येलो, तो ऑटम सीजन यानी पतझड़ का समय होता है जब लीव्स येलो लीव्स हो जाती है, ग्रीन लीव्स, और फिर वो फॉल डाउन यानी पेड़ से अलग हो जाती है, सच फॉलिंग ऑफ लीव्स इज कॉल्ड डेफोलेशन, आफ्टर डेफोलेशन ग्रीन सॉफ्ट लीव्स स्प्राउट ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज एंड इट मेक देम ब्यूटीफुल, जब ये सारी पत्तियाँ गिर जाती है तब नई ग्रीन सॉफ्ट लीव्स आती है और वो ब्यूटीफुल
वापस ट्रीज ब्यूटीफुल लगने लग जाते हैं। नाउ ऑटमन सीजन इज टू कम, ग्रेजुअली लीव्स विल फॉल आफ्टर टर्निंग येलो। फिर अंकल बोलते हैं कि अब जो ऑटम सीजन आने वाला है, यानी कि पतझड़ का सीजन आने वाला है, इसलिए ये येलो हो रही है और फिर ये फॉल डाउन हो जाएगी। फिर माही बोलती है आफ्टर फॉलिंग ऑफ लीव्स ट्रीज विल नॉट लुक ब्यूटीफुल, बिना लीव्स के तो ट्रीज ब्यूटीफुल नहीं लगते हैं। अंकल आफ्टर सम टाइम स्मॉल ग्रीन लीव्स विल बिकम लार्जर एंड होल ट्री विल बिकम ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। थोड़े ही टाइम बाद फिर सारी लीव्स आ जाएगी पेड़ पर और फिर वो लीव्स अपने जो शेप में है उस शेप में बड़ी हो जाएगी और फिर वापस ट्री ब्यूटीफुल लगेगा। ओके, सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन, वी लर्न ट्रीज हैव लॉन्ग एंड स्टाउट स्टेम, देयर लाइफ स्पैन इज लॉन्गर देन प्लांट्स। ट्रीज लंबे और उनकी जड़ें भी तना भी मजबूत होता है और प्लांट के कंपैरिजन वो ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। प्लांट्स हैव शॉर्ट एंड सॉफ्ट स्टेम, डिफरेंट ट्रीज हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट कलर शेप साइज एंड ऑर्डर। लीव्स फ्लावर्स एंड रूट्स ऑफ सम ट्रीज आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, टिम्बर इज यूज इन मेकिंग यूजफुल आइटम्स। फॉलिंग ऑफ लीव्स आफ्टर टर्निंग येलो इन ऑटम सीजन इज नोन एज डेफोलेशन। लीव्स ऑफ कॉरियंडर फेनग्रीक स्पिंच एक्सेट्रा आर यूज एज वेजिटेबल्स। ओके, सो यू डू द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एंड आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू।